बिहार के पटना से एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। चौथी कक्षा के छात्र मानस चौहान के बैग से उसकी शिक्षिका ने भगवत गीता और जप माला को निकालकर उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। मामला गया के बागेश्वर रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय एक का है। कौन स्कूल में पढ़ते हो? मैं केंद्रीय विद्यालय वन में पढ़ता हूँ। मेरा नाम मानस चौहान है और मैं कल इस मेरे साथ चार दिन से मुझे एक मैम बार बार धमकी दे जा रही थी कि अगर तुम ये बात किसी को बताओगे तो मैं तुम्हारी चमड़ी उखाड़ लूँगी। वो मैम का सदफ नाम है। परसों मैं भगवत गीता लेकर गया था तो माला और भगवत गीता लेके गया था ना, तो मैं बैग चेक हो रहा था तो मेरा भगवत गीता निकल गया ना, तो उन्होंने मेरा भगवत गीता को डस्टबिन में फेंक दिया। उन्होंने बोला कि हिंदी देवता देवतियाँ ना वो कुत्ता कुतियाँ होती हैं और उनके चप्पल पे गणेश जी भी बने हुए हैं और क्या उन और वो क्या बोलते हैं वो पहले हम लोग को हिंदी पढ़ाती थी और उसके आधा पीरियड हम लोग को उर्दू भी पढ़ाती थी। तो उसमें वो लोग बताते थे कि उनका एक श्लोक है, उनका क्या बोलते हैं उनका जो अनुवाद है उस श्लोक में बोलते हैं कि हिंदू देवता देवतियाँ वही लोग उसी श्लोक में तो बोलते हैं कि ये लोग कुत्ता कुतिया होते हैं। और वो लोग बोलते थे कि अगर ऐसे अगर तुम किसी को बोल दिए अपने पापा को बोल दे तो मैं तुम्हारी चमड़ी उखाड़ लूँगी। तो सर का क्या नाम था? मैम का मैम है वो मैम का नाम सदफ मैम है, उनका टाइटल नहीं पता है। प्रिंसिपल से शिकायत किए थे? हाँ मैंने प्रिंसिपल से शिकायत नहीं किया था क्योंकि उन्होंने धमकी दिया था कि किसी से भी कर दोगे तो मैं तुम्हारी चमड़ी उखाड़ लूँगी। इसीलिए मैं पापा से बोल दिया था, मैंने पापा ही को बोल दिया था कर परसों। अगर उस ग्रंथ को क्या अपने क्लासरूम जब चलता था उसमें पढ़ते थे या क्लास में जब वेकेशन? नहीं, मैं लंच के पीरियड में पढ़ता था और कभी कभी गेम का पीरियड होता था तो उस टाइम भी मैं पढ़ता था भगवत गीता। जब चौथी कक्षा के छात्र के बैग से भगवत गीता निकली तो उसकी शिक्षिका सद्दाव चौहान ने हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द कहे और भगवत गीता और जप माला को निकालकर कूड़ेदान में फेंक दिया। क्या हुआ आपके? ये बच्चा मेरा 3-4 दिन से काफी टेंशन में था। परसों शाम में मैंने इससे पूछा कि क्या बात है तो ये पहले तो ये कुछ बता नहीं रहा था, तो फिर मैंने बोला कि बुलबुल क्या दिक्कत है, तो ये बोल रहा था कि पापा देखिए ना मेरा भगवत गीता और जप माला लेके डस्टबिन में डाल दी और उसके बाद काफ़ी रोने लगा। फिर मैंने इसको थोड़ा सा बाल बाल सहलाया तो बताने लगा कि ऐसा ऐसा है पापा, मैं भगवत गीता ले जाता था तो ये सदफ मैम जो है ना मुझे जो है पहले मेरे निकाल करके और बाल को खींच करके वो ब्लैक बोर्ड से टकराई और बोली कि आइंदा से स्कूल आया तो मैं तुम्हारा चमड़ी फेर दूँगी। और फिर बताने लगा कि बीच बीच में जो है ना हमें उर्दू का कलमा वगैरह पढ़वाती थी इस टाइप से वो करने लगी थी है ना, और बोले कि तुम्हारे देवी देवता कुत्ता कुतियाँ हैं तो, और बोला कि पापा ये तो ऐसा नहीं है ना हमारा भगवत गीता में तो ऐसा कुछ बोला नहीं गया, तो इस टाइप का हुआ। इसकी शिकायत आप कहाँ की? इसकी शिकायत सबसे पहले मैंने ढेला थाना में किया, लेकिन वहाँ पे तो ऐसा लगा जैसे कि वो थाना प्रभारी जो है वो एक मुजरिम के तौर पे जो है वो ट्रीट किया और तुरंत हम लोग को भगा दिया थाने से, बोला कि मैं जांच करूँगा बगैर किसी कागज के वो जांच करेगा। उसके बाद कहेंगे? उसके बाद मैं SSP के यहाँ गया, उसी रात को मैंने अपने मेल से जो है DM को SSP को केंद्रीय विद्यालय को मैंने मेल भी किया, लेकिन उसका अभी तक कोई वो कोई आया नहीं है। और SSP साहब तो बोले कि आप अपने बच्चों को स्कूल से आप हटा दीजिए और बच्चा स्कूल में क्यों भगवत गीता ले जाता है। तो इसका मैंने कल जो मीटिंग हुआ केंद्रीय विद्यालय में तो RO से मैंने पूछा कि क्या आपके स्कूल में भगवत गीता ले जाना जप माला ले जाना क्या वैध है क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे स्कूल में इस टाइप का कोई वैध नहीं है। मामला जब उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा तो उन्होंने यह कहकर मामले को रफा दफा कर दिया कि बच्चे को स्कूल चेंज कर लेना चाहिए। शिक्षिका सद्दाव चौहान के खिलाफ अभिभावकों ने लिखित में शिकायत दर्ज की है, फिलहाल मामले की जांच हो रही है। तो जब स्कूल को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अब जिला प्रशासन बोलता है कि नहीं ले जाना चाहिए और आप स्कूल बदल दें, कल कहेंगे कि आप जिला छोड़ दें देश छोड़ दें, तो ये यहाँ का चल रहा है हिसाब किताब।